पैंट भी नहीं है कल एक आउटफिट उसको देखो वो देखो वो बेचारी भाई ने कोई कपड़े लाए नहीं है ऐसे मुंह उठा के आए हम लोग फोटोशूट मैं तो कंटाल ली बाबा लोकेशन बहुत सही है राम 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 वेलकम बैक टू माई चैनल और एक न्यू वीडियो में स्वागत है आप लोग का। तो इतने दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि अब तक आपको मालूम पड़ी ये मेरे पीछे बाजू में हिमांशु भी है अंडरग्राउंड नहीं था एक्चुअली अब आप लोग को मालूम पड़ गया कि मैं इंडिया क्यों आया हूँ ठीक है। और अभी घाई गड़बड़ी में ना इतने वीडियो मैंने एडिट नहीं किया और अपलोड भी नहीं किया इसलिए ये अभी प्रॉब्लम डायरेक्ट प्री वेडिंग का फोटोशूट का वीडियो आने वाला है। तो आज हमारे साथ है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की इसको तो जानते होंगे ठीक है। इसके अलावा हमचा भाऊ मराठी भाऊ अक्षय मात्रे और आज सनत भाई और सनत भाई आज हमारा फोटोशूट करने वाले और यहाँ पे चिंतन भाई है। चिंतन भाई हाय बोलो कैमरा को। हाँ तो आज मतलब मैं क्या पूछ रहा था कि आज कैसा हम लोग का कुछ प्लान किया है कि कैसे करने वाले हम लोग जिधर जा रहे हैं लोकेशन बहुत ही अच्छा है। हाँ राउंड अबाउट 30-40 अलग अलग सेट्स है। ओके सो एक राजस्थानी पैलेस जैसा एक जयपुर वाला फीलिंग है वहाँ पे। हाँ और बनारस घाट जैसा पूरा अच्छा हुआ है बोटिंग वगैरह। हाँ तो एक्सप्लोर करेंगे वहाँ जाके थोड़ा और वहाँ पे जाके फाइनलाइज करेंगे कहाँ से स्टार्ट करना। बट नहीं अभी पहला फोटोशूट कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप बोल रहे थे ना पैलेस। पहला शूट जो मॉर्निंग लाइट हमें मिलेगी। हाँ तो वो जो ट्रेडिशनल आउटफिट में पैलेस है। हाँ वहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा ओके और फिर जैसे जैसे शॉट्स निकलते जाएंगे विल गो विद द फ्लो। हाँ वो भी है क्योंकि 5 घंटे अपने पास 5 घंटे में सब कुछ खत्म करना है क्या। पहले पेट लिए ये पेट पूजा करना जरूरी है। एक्चुअली अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहा है मैं 6 बजे उठा हूँ लोग मतलब सनत भाई और अक्षय भाई एकदम 6:30 पे आए और मैं 10 मिनट लेट एज यूजुअल। राहुल हमेशा की तरह लेट है। हाँ वो स्कूल टाइम से मैं लेट का मेरा याद आ गया मुझे। हाँ जैसे स्कूल टाइम में हम लोग इसके घर पे जाता था और साइकिल लेके नीचे रुकता था। और मैं था आलो आलो और मैं 10 मिनट साइकिल बाजू में खड़े करके खड़ा रहता था। तो वैसे ही आज सिर्फ चेंज हो गया कि बाइक आ गया और दूसरा फोटोशूट करने जा रहे हैं। हाँ। नहीं जा रहे कि तबीयत ठीक नहीं थी अगर तो बोल देती तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा कुछ कर सकते। टाइम नहीं है नेक्स्ट वीक कब वीकेंड तो फ्री नहीं है। हां नेक्स्ट वीक क्योंकि नेक्स्ट वीक और एक इवेंट है। आठ के लिए 10 मिनट 8 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। तो अभी 8 के लिए 10 मिनट नेचुरल व्लॉग है इसमें टेक टू नहीं आएगा। ये तो मेरी तो तेरे साथ जैसे साथ वैसा बात। चलो ठंडी बा टाइम नहीं है तो टाइम पास करो। तो देख रहे हो ये बहुत सारे सेट हैं यहाँ पे तो यहाँ पे फोटोशूट करेंगे क्योंकि वैसा मतलब एक ही लोकेशन पे सारे फोटोशूट हो सकता है दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। बस अभी फटफट रेडी होना है और कपड़े भी हायर करने हैं यहाँ से क्योंकि कपड़े कुछ लाए नहीं है। कहाँ पे गए प्रिपेयर की 5-6 आउटफिट लेके आया साथ में हम लोग पैंट भी नहीं है कल एक आउटफिट उसको देखो वो बेचारी दूसरा आउटफिट ट्राई करी यहाँ से रेंट किए हायर किए क्योंकि ना एक्चुअली टाइम नहीं था बहुत गहरे में चल रहे हम लोग। ये होता है भैया जब आपका वीजा अचानक से आता है और अचानक से प्लानिंग चालू होती है। क्या बोलते हो बरोबर कैसे लग रहा है चांगला मराठी की तैयारी नवरा नवरी नवरा का मेकअप करता ना। हमारा ब्लॉग मराठी प्लस हिंदी आने वाला है। हाँ ठीक है तो मराठी त्याची कमेंट्री आणि माझे हिंदी ये तूने मराठी में बोला। व्हाइट गोरा लगना चाहिए और का चिकना है सुबह इतना नहीं है राहुल सेट फॉर फोटोशूट थोड़ा मेकअप वेकअप किया है और ये कपड़े से झकमक थोड़ा सा इधर से लिया क्योंकि भाई ने कोई कपड़े लाए नहीं है ऐसे मुँह उठा के आए हम लोग फोटोशूट। ऐसा हो रहा है कि सेट्स इतने सुपर्ब है ना तो एक मिनट क्या आ रहा है बीच बीच में वैसे चले कट इट सड़क से उठा के स्टार बनाऊंगा सड़क से।
यहाँ पे ऑलरेडी वीडियोग्राफी चल रही लगता है, ठीक है, तो हम इनको इग्नोर करेंगे। ऊपर तो फोटोशूट होगा, मतलब सेम सेट ही है, बट यहाँ पे भी फोटोशूट करें, यहाँ पे भी अच्छी प्लेस है, तो यहाँ पे ये भी देखते हैं। वहाँ पे वैसे मस्त फोटो है, और अक्षय ने पता नहीं रील्स निकाले कि नहीं, तो मैं बोला था बहुत मस्त आ रहा है, बहुत मस्त आ रहा है। कपल अच्छा है ना, शादी के बाद ही सारे डिफिकल्ट टास्क चालू हो जाएंगे, ये पहले ही चालू है, फोटोशूट नहीं चालू है भाई, इतना इजी नहीं है फोटोशूट, जैसे लगा कि स्माइल दो, नहीं ये ऐसे घुमाया हो फिर ऐसा, बहुत कुछ है, छोड़ो हिमांशा वो देखो ये तो कंटाल ली, मैं तो कंटाल ली बाबा, शादी का लड्डू जो खाए वो, और ये फर्स्ट आउटफिट है और फर्स्ट लोकेशन है इनका, 1 PM का टाइम है मैक्स, 1 PM को चेक आउट है, 1 PM तक सारी चीजें, वो भी सेट पे हम आएंगे बाद में, बट एक बार देख लो मस्त शॉट, लेकिन वो थोड़ा सिमिलर कलर कॉम्बिनेशन में, ओके सिमिलर हो जाए तो फिर सिमिलर नहीं करेंगे, बोट वाला नहीं लेना, बोट वाले में जो कैजुअल कपड़े में करेंगे कैसे करेंगे, नहीं है मेरे पास, नहीं 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 तू वो ब्लू वाला पहन ना, कौन सा गाउन, गाउन पहन, वो बोट में बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, और क्या ऑप्शन है, तो एक काम कर सकते हैं, मैं जो रेड कलर का ना गाउन वो बोट, मेरा सजेशन ये रहेगा कि बोट स्किप करिए, ओके ओनली रीजन इज आप बोट की जगह पे ना यहाँ पे और एक वो सामने देखा मैं, हाँ वो अभी ले लीजिए, सो आउटफिट टू और ब्लेजर, कैजुअल ब्लेजर पहन रहे, और मैडम ने भी कैजुअल ड्रेस पहना, कैजुअल है ये, कैजुअल, अरे वही पार्टी वेयर यार जो भी है वो, तो अभी सेकंड सेट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके वो भी उसके बाजू में ही था, तो वहाँ पे मस्त फोटोशूट करेंगे, बट बोलते बोलते टाइम खूब फास्ट जाता है, बहुत टाइम, मतलब अभी 3 घंटे बचे, ठीक है, तो ऐसा टाइम ऐसा चल रहा है, ये क्या तो कभी भाई के लिए क्या क्या करना पड़ता है, भाई की शादी के लिए, हाँ भाई की शादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे पोज सजेस्ट कर रहे हैं, और सरद भाई बहुत अच्छे अच्छे फोटो ले रहे हैं, तो फाइनल आउटपुट देखने के लिए आई एम एक्साइटेड, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ मॉर्निंग का एक दो फोटोज देखे, उसके बाद ही देखे, क्योंकि टाइम नहीं हम लोग के पास फोटोज देखने, हाँ फोटोज देखने के लिए। भावा ने आता था आईफोन कोटा कितने रहे, 13 का अचीव इच्छा की 14 के, 14 प्रो नहीं 14 प्रो मैक्स, टू बिग का टू भाग, दैट इज सर सॉरी, हाँ सच्चाई कुछ अलग है, ज्यादा लगी है हमें, लग लिया भूख बहुत, अरे हमने सोचा था कि सुबह खा के आएंगे, बट वो एक ही सैंडविच खाया, उसके बाद फिर अभी 1 बज रहे ऑलमोस्ट, नहीं नहीं सॉरी 12:15 हो रहे, 45 मिनट है भाई, फटफट राहुल ते माजा कडे दे गेलो तू का, Done, all done. Pack up and
चिंतन भाई ने पण जाम मेहनत केली थोड़ा ओरडा खाल्ला बट भारी काम केलं चिंतन भाईने सनत भाई डेट बोल दो कब मिलेगा देखो ऑडियंस है वेडिंग तक तो आ ही जाएगा वेडिंग को टाइम है भाई हाँ काउंट डाउन टाकायचं आहे थोड़ा ते बघा किती 30 पासून काउंट डाउन टाकू ना हाँ तो 21st हाँ तो अरे 30 पासून टाकला रे तो 28 30 पासून तो गेला 7 तारीख आली आता इसका सनग्लासेस स्पॉट दादा के पास मानसा का फोन स्पॉट दादा के पास काजू है ब्लेजर है सब कुछ है मेरे पास लेकिन अभी बाद में दिखाऊंगा इतना इतना टाइम नहीं है अभी ना बहुत ज्यादा सब लोगों को भूख लगे ठीक है तो अभी नहीं नहीं अरे केस होता था तो अभी सब लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगे क्योंकि मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट किया तो उसके बाद कुछ नहीं खाया तो अभी फटफट जाके मस्त किसी ढाबे पे एकदम मैं आने के बाद से इतने टाइम रेस्टोरेंट में खाना खाया ना सब पर दिल की तमन्ना हो गई कि ये झलक थी शादी की लग्नाला जेव्हा फोटोशूट असेल तेव्हा तो तू रेडी होऊन जाईल साहब आज तो ये प्री वेडिंग में इसकी हालत खराब हो गई है तो सोचो शादी में तो पूरा दिन दिन वेडिंग संगीत स्माइल रखना है कंटिन्यू फेक स्माइल तो हंसता भी नहीं है तो हंसने आता है कंटिन्यू फेक स्माइल रखना है चेहरे पे हां वो अच्छा बोल रहा था ना सबसे डिफिकल्ट वो राहुल के लिए सनत भाई वीडियो के सामने वापस एक बार थैंक यू सो मच मस्त मजा अच्छा फोटोशूट हुआ और तुझे भी थैंक यू और तेरे को भी थैंक यू मस्त कमेंट किया पीछे से बस एंगेजमेंट के टाइम पे भी करना है चलो ठीक है।